नमस्कार दोस्तों, टीएच एजुकेशन चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप दिल्ली पॉलिटेक्निक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट को हम देख सकते हैं। तो आइए मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से रिजल्ट को चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मैं स्टार्ट करने वाला हूं आपको बताना किस तरीके से आप दिल्ली पॉलिटेक्निक के रिजल्ट को फाइंड कर सकते हैं, अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ओपन किया हुआ है गूगल पेज, जहां पर सर्च करके आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। तो गूगल पेज पर लिखेंगे कैट दिल्ली एग्ज़ाम, ठीक है, एग्ज़ाम के बाद .nic.in। इसे लिखने के बाद आप सर्च ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। सर्च ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद थोड़ी देर बाद आपको एक पेज ओपन होगा, इस पर लिखा होगा वेलकम टू कैट दिल्ली पर जो फर्स्ट लिंक जो आ रहा है, इस पर क्लिक करने के बाद हमारा एक अलग वेब पेज ओपन होगा जो इस तरीके दिखाई देगा, जो इस पर लिखा है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2018। इसको ड्रॉप डाउन करने के बाद यानी कि इसे नीचे लेते जाएंगे और नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर हमें इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, इसमें लिखा है रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड ऑन catdelhi.nic.in ऑन 14 जून 2018 बाय 4। तो इस लिंक पर भी क्लिक करके आप रिजल्ट को फाइंड कर पाएंगे कुछ देर बाद यानी कि 4 बजे के आसपास, और या फिर ये दिल्ली उसके catdelhi.nic.in दिया हुआ है, इस पर भी जाकर आप अपना रिजल्ट को फाइंड कर पाएंगे। मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बताता हूँ कि किस किस तरीके से आप रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपने देखा इसमें लिखा हुआ है इनिशियली विजिट द ऑफिशियल पोर्टल दिल्ली कैट, तो catdelhi.nic.in इस साइट पर भी जाकर आप रिजल्ट फाइंड कर पाएंगे 4 बजे। और दूसरा ऑप्शन है या तो आप होम पेज पर गूगल पर जाकर कैट रिजल्ट 2018 भी लिखते हैं, फिर भी आप अपने रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे। थर्ड, क्लिक ऑन द लिंक एंड एंटर द डिटेल ऑफ कैट आईडी, रजिस्ट्रेशन लॉ नंबर etc इन नेसेसरी कॉलम्स। जो उसमें इन्फॉर्मेशन मांगी गई होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, उसके बाद अपना रिजल्ट आप देख पाएंगे। फोर्थ, टैप द सबमिट बटन आफ्टर फिलिंग अप द डिटेल। सारी इन्फॉर्मेशन सारी डिटेल फिल करने के बाद आप सबमिट टैप बटन पर क्लिक कर देंगे। द दिल्ली कैट स्कोर रिजल्ट मेरिट लिस्ट अपीयर ऑन स्क्रीन, उसके बाद रिजल्ट जो होगा वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। फिर सिक्स ऑप्शन दिया हुआ है चेक द रिजल्ट एंड टेक ए प्रिंट आउट फॉर फर्दर रेफरेंस, आप इसका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे। दोस्तों मुझे लगता है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं इस प्रकार की नई नई वीडियो आपके लिए लाता रहूँ और आपको नए नए अपडेट से अवगत कराता रहूँ। तो अब अगली वीडियो में फिर मिलेंगे हम नए पॉइंट के साथ।